जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से आपको लगता है कि एक योजना बनाई जानी चाहिए, चाहे पॉलिसी लेवल हो, चाहे लोकल लेवल पर हो, कि जिस तरह चीन को एक स्ट्रिक्ट मैसेज दिया जा सके। पूर्णिमा जी, मैं इसमें एक बात जरूर कहूंगा, जैसा शायद रंजीत जी ने कहा था इस डिबेट के शुरू में कि चाइना अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट करता है और उसको तस्लीम है कि आप बनाओ, अगर कुछ डेफिसिट होगा तो चाइना पे करता है उसको, इसीलिए चाइना में मास प्रोडक्शन होता है। मेरा कहना यह है, आज जिस परिस्थिति में हम लोग खड़े हैं, उस परिस्थिति में यदि हमें चाइना का विकल्प बनना है तो सरकार को एक बार जरूर तय करनी होगी कि सरकार को प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव्स हमारी इंडस्ट्री को देने होंगे, खासतौर पर उस इंडस्ट्री को जो इंडस्ट्री चाइना के विकल्पों को बना रही है, तब जाकर के हम पे चाइना के बराबर खड़े होंगे। तो एक तो मेरा ये कहना है, दूसरा मेरा ये कहना है कि खासतौर पर हमें वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने होंगे जहां पर हम इमीडिएट काम कर सकते हैं और जहां पर तुरंत हम चाइना का विकल्प बन सकते हैं। तो एक बात तो आप पक्का सोचते हैं, आज इस परिस्थिति में चाइना हमारी अगर आर्म टेस्टिंग करने को तैयार है, यदि हमने चाइना को अब नहीं रोका तो कहीं ना कहीं हम अपने कर्तव्य में पीछे हो जाएंगे। मैं इस बात को खुले मन से स्वीकार करता हूं कि पिछले 10-15 वर्षों के अंदर हमारे उद्योग और हमारे व्यापारी अपने लालच में फंसे रहे, उन्होंने इस बात को ध्यान ही नहीं दिया कि चाइना किस तरीके से उनके मार्फत हमारे देश में आ रहा है, और सरकारें भी इस दोष से बच नहीं सकती हैं। सरकारों ने कभी इस तरीके की पॉलिसी नहीं बनाई कि वो देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर सोचे, तो इसीलिए आज इस स्थिति का निर्माण हो गया कि हमारी निर्भरता चीन पर बन गई है। मुझे लगता है अब सब लोगों को गंभीरता से बैठना चाहिए, सरकार को किसी से भी सहयोग लेना चाहिए, हम सब सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और एक वेल डिजाइंड फूल प्रूफ स्ट्रेटेजी बनानी है, ठंडे दिमाग से स्टडी करने के बाद, और फिर उनके उनके दो ही काम हो सकते हैं, या तो हम अपने आप उसकी उस प्रोडक्शन कैपेसिटी को अनाउंस कर दें, या हम चाइना का अल्टरनेट तलाश लें जो हमारे को हमारी प्रोडक्शन में मदद करें। इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके यदि सरकार सामूहिक निर्णय लेगी बातचीत करने के बाद, तो मुझे ऐसा कोई कारण नहीं लगता कि हम चाइना का विकल्प नहीं बन सकते हैं। रास्ता थोड़ा टेढ़ा जरूर है, हो सकता है। और रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन देखिए चाइना भी आज हमारे हिंदुस्तान में 25 सालों के अंदर में आया है, एक हाथ में नहीं आ गया, इसीलिए उसको उसकी निर्भरता को कम करने के लिए हमें भी कम से कम 5 से 10 बरस का समय लग सकता है। लंबा रास्ता, विजन क्लियर, डॉक्यूमेंटेड सारा हो, तो मेरा अपना दृढ़ विश्वास है कि हिंदुस्तान हर हालत में, न केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है।